नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं गार्गी। कहां एक दिन था कि जब उर्फी करना चाहती थी सुइसाइड और आज बन गई अपने हटके फैशन सेंस के चलते फैशन आइकन। दरअसल बिग बॉस ओटीटी फेम उर्फी जावेद ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान अपनी लाइफ के ब्लैक साइड के बारे में बात की। ये तब की बात है जब मुंबई में उनके पास रहने के लिए घर नहीं था। उर्फी जावेद ने उस वक्त के बारे में बात की जब उन्होंने हार मान ली थी। लेकिन जहर भी तो महंगा था, तभी तो बोल रही है उर्फी कि क्या करें, मरना भी तो ऑप्शन नहीं था। तो उस सिचुएशन को हैंडल कैसे किया, माइंडसेट क्या था आपका उस दौरान? यही था कि मर तो सकते नहीं है, जहर भी महंगा आता है, बस जी ले। हालांकि अपने करियर के शुरुआती दौर को याद करते हुए उन्होंने बताया कि तब काफ़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को झेल रही थी। साथ ही शेयर किया कि एक वक्त था जब मेरे पास कोई घर नहीं था, मैं पार्कों में रहती थी, दोस्तों के घर कुछ दिन रहती थी, पार्क में सोया करती थी। मैं सर्दियों में बिना रजाई और बिना बिस्तर के फर्श में सोती थी, लेकिन अब मेरे पास सब कुछ है। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो खुद को ब्लेस्ड और लकी महसूस करती हूँ। मैंने हार नहीं मानी। मुझे याद है कि कई बार मैं हारा हुआ महसूस करती थी, सब छोड़ना चाहती थी, मैं खुद को मारना चाहती थी। मुझे खुशी है कि मैंने हार नहीं मानी, लेकिन मेरे जीने की इच्छा ने मुझे कामयाब बनाया। हालांकि अभी पूरी कामयाबी नहीं मिली है। इतना तकलीफ दे था जब आपके पास पैसे नहीं थे यार, वो तो सब होता है यार। इंडिया की 80% पॉपुलेशन के पास खाने को कुछ नहीं है। इंडिया के आधे से ज्यादा पॉपुलेशन सड़कों पे और उनको नहीं पता है कल वो क्या करेंगे। अभी कितनी खुशी मिल रही जो कामयाबी मिली आपको? मुझे कोई अभी कामयाबी नहीं मिली, अभी कामयाबी मिलना बाकी है। किस्मत बदलते देर नहीं लगती, तभी तो आज उर्फी की तारीफ रणवीर सिंह से लेकर राखी सावंत तक करते नजर आते हैं। कॉफी विद करण 7 में रणवीर ने उर्फी की तारीफ की थी, अब राखी ने भी कर दी उर्फी की तारीफ। इससे पता चलता है कि अपना टाइम आएगा गाने जैसे उर्फी का भी टाइम आ ही गया। एक मेरी उर्फी फ्रेंड है जो पूरा एकदम उलाला दिखा देती है। ओ पूरा उलाला आ गया क्या, देख लिया? अच्छा, ओ माय गॉड, वो उलाला दिखाती है और मेरा बोलना ही काफी है, तो उसका बॉडी का हॉटनेस और मेरा बोलने का हॉटनेस। हालांकि उर्फी अक्सर अपने बोल्ड और अतरंगी स्टाइल की वजह से सुर्खियों में रहती हैं, और तो और कई बार अपने कपड़ों की वजह से उन्हें सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल भी किया जाता है। पर क्या है ना, उर्फी है बेबाक, बिंदास और मनमोजी। किसी के कुछ कहने से नहीं पड़ता फर्क और ना ही सुनने का है उनके पास टाइम। बाकी खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।